हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साउथ की फेमस सांभर की रेसिपी। तो ये जो सांभर है, इसे आप चावल के साथ या फिर डोसा, इडली और वड़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार से आप इसे ज़रूर ट्राई करें, हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ देखिए, मैंने अरहर की दाल 1 कप ली है, उसमें 3 कप पानी ऐड करके 3 विसल्स लगाने के लिए छोड़ दिया है। 3 विसल्स आने के बाद ये दाल देखिए अच्छे से पक चुकी है। पक जाने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो दाने हैं वो दिखने नहीं चाहिए अगर हमें इस दाल से सांभर बनाना है। तो इसे हम अच्छे से फेंट देंगे। और अब देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सांभर जैसी दिख रही है। अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए हमें एक कढ़ाई में ऑयल जो है वो हीट कर देना है। उसके बाद ऐड करेंगे सरसों के दाने, मेथी के दाने, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और एक कटी हुई प्याज। सांभर बनाने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, उनमें से एक ये भी है। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन नहीं चला जाता, इसकी महक से पता चल जाता है। कच्चापन जाने के बाद हमें ऐड करना है एक टमाटर, उसे एक बार हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही हमें मसाले ऐड कर देना है। थोड़ी सी यहाँ मैंने लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ ज़रूर करना। और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को हम इस तड़के में अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हमें भूनेंगे। भून जाने के बाद ये देखिए, इस मसाले ने सारा ऑयल जो है वो साइड कर दिया है। तो ये जो है हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे वॉश की हुई और कटी हुई सब्जियाँ। इनमें से कोई भी सब्जी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। यहाँ मैंने 1 कटोरी के मेज़रमेंट से घिया, सीताफल, बैंगन और गाजर लिया है। आप चाहे तो इसमें ड्रम स्टिक और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी सब्जियों का बहुत अच्छा फ्लेवर आए इसलिए मैंने इनमें विसल्स नहीं लगाई है, इन्हें तड़के में ऐड किया है। और 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकने के बाद ये देखिए सब्जियां भी पकने लगी है। अब ये 30% ही कुक हुई है स्टेज पर फ्रेंड्स, ये देखिए ओवर कुक नहीं होगी ये। अगर आप इसको इस तरह से तड़के में ऐड करेंगे तो अलग से विसल्स लगाएंगे तो ये थोड़ी ओवर कुक हो सकती है, इसलिए आप इसी तरीके से कोशिश करें सब्जियों को ऐड करें। जब ये सब्जियां ऑयल साइड में इस तरह से छोड़ दे तो हमें यहाँ पर ऐड करना है इमली का पानी। इमली का पानी बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक अलग से फ्राई पैन में थोड़ी सी इमली लेकर उसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा गिलास पानी लिया है, एक उसमें बॉईल लगाया है। एक बार बॉईल आने के बाद हमने वो इमली के पानी को छान लिया है और उसी पानी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है और जो इमली की गुठलियाँ है वो हमने फेंक दी है। इसे 2 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। चलाने के बाद हमें इसमें दाल ऐड करनी है जो हमने घोटी थी। और दाल ऐड करने के बाद एक बार उसे अच्छे से इसमें यहाँ सिर्फ मिक्स करना है आपको। मिक्स करने के बाद 2 से 3 गिलास आप इसमें पानी ऐड करें। सांभर जो है जब पूरी तरह से बन जाता है, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू कर देता है। तो आप जब इसे बनाएं उस वक्त थोड़ा सा पतला ही बनाना, ये बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा 1/2 घंटे में ही होने लग जाता है। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसे पका लिया है फ्रेंड्स। पानी ऐड करने के बाद इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट या कुछ भी नहीं है जो हमें ऐड करना है। गरम मसाला हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल पक जाएगी। ये देखिए अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इस सांभर को अच्छे से पकाया है, मीडियम टू हाई। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं फ्रेंड्स, तब क्या थी जब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और अब इसे आप चावल के साथ सर्व करें, इडली, सांभर, डोसा किसी के भी साथ। और वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब